बहराइच में असामाजिक कार्यकर्ता जूही रजा को पुलिस ने एनपीआर व एनसीआर के विरुद्ध धरने से रोका। शहीद स्मारक पर महिलाओं के पहुंचते ही पुलिस ने खदेड़ा, मुकदमा दर्ज करने की दी धमकी, बैनर भी छीन ले गई पुलिस। जूही रजा का कहना, लोकतंत्र में अपनी बात कहने पर भी लगाई जा रही है पाबंदी। हटा दिया बैनर, हटा दिया, मैं नहीं हट रही हूँ, मैं खड़ी रहूँगी यहाँ पर। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने, हमें एनपीआर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसी बीच में आप इतना बड़ा काम करवाने जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर, हमारे परिवार में खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम खा नहीं सकते, हमें दो निवाले दीवालों की परेशानी हो जाएगी। और आप इतनी छोटी सी बात आप सत्ता में बैठ के नहीं समझ रहे, जो आम नागरिक समझ रही है। तो अगर आप नहीं समझेंगे, महिलाओं का नाम ही पता नोट किया या कोई नाम पता सारी नोट किया है, कार्रवाई में इन्होंने ये किया कि उनको धमकी दे के भगा दिया है। उनको बोला है कि अगर आप यहाँ खड़ी होंगी तो एक्शन लेंगे, आपको उठा लेंगे यहाँ से, और उनको धक्का मार के किनारे कर दिया। तो फिर भी महिलाएं जल महिला पुलिस एक लेडी थी और जेंट्स थे, पूछताछ जेंट्स कर रहे थे, महिला पुलिस किनारे खड़ी थी, और बाकी पुलिस जो थी हमारी वो जेंट्स पुलिस थी, वो पूछताछ कर रही थी। उन्होंने ही नाम नोट किया है और उन्होंने ही लेडीज को भगाया है, महिला पुलिस बाद में आई है, और बाद में आके वो यहीं पे खड़ी थी। धमका कर, उनके नाम नोट कर कर, उन्हें धमकी देकर उन्हें भगाया, कुछ को धक्का मार, उन्हें बोला कि हम तुम्हें उठा लेंगे या फंस जाओगी, और कोरोना वायरस फैला हुआ है। सर, कोरोना वायरस फैला है वो मुझे भी पता है। आप ये देखिए, घंटाघर में 3 औरतें मर गई। सरकार ने हमसे पूछा, कुछ हमसे जानने की कोशिश की, एक भी बंदा उनकी तरफ से नहीं आया कि आप लोग ठंड में मर गई हैं। आज हम 2 मिनट के लिए खड़े हैं तो इन्हें कोरोना वायरस से लोगों की जान का, हमारी जान कीमती नहीं है, हम वहाँ मर रहे हैं वो कीमती नहीं है। हम अगर 5 मिनट के लिए अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना चाह रहे तो बस कोरोना वायरस का बहाना लेकर आपने तुरंत यहाँ से लोगों को भगाना चालू कर दिया। हमने बैनर लगाया, वो बात हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि सर ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, आप संविधान में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? हमारा देश आज स्वतंत्र होकर आजादी की सांस ले रहा है और आप उसी चीज को हमसे छीनना चाह रहे हैं। तो ये संविधान की लड़ाई है, कम से कम हमें 10-15 मिनट का टाइम तो देना चाहिए था, वो 10-15 मिनट का टाइम भी हमें नहीं दे रहे हैं। हम अपनी बात उनसे कह सके इतना तक हमको मौका नहीं दिया उन्होंने, और कह रहे हैं कि आप हटो 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 हटो। कोरोना वायरस है, मानती हूँ इस बात के लिए कि हमें, लेकिन हमने डिस्टेंस मेंटेन कर रखी थी। हमने बोला कि हमें जितना ऑर्डर मिला हुआ है, जितना डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। अगर वो हम इकट्ठा होते हैं तो हम डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होंगे, तो आप कम से कम हमें 2-4 घंटे का टाइम दे देते, 2-4 घंटे में कोई कोरोना वायरस हर इंसान के अंदर इंजर्ड नहीं हो जाता। बहराइच से आमिर अली की रिपोर्ट।